टॉपिक इज टाइगर, पेज नंबर 43। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अपने काम को स्टार्ट कर रहे हैं। टाइगर कलरिंग, कलर द पिक्चर गिविंग लाइट एंड डार्क इफेक्ट्स एज शोन। यहाँ पर जो पैटर्न दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हम इस पूरी कंपोजिशन को तैयार करेंगे। लाइट और डार्क यानी शेडिंग देते हुए हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्केच पेन से आउटलाइन कर लेते हैं, थोड़ी सी आउटलाइन करेंगे, बाकी की आप अपने आप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसमें जो कलर दिए हुए हैं पैटर्न में उसी के अकॉर्डिंग आप कलर्स लगाएंगे। इस तरह से आप पूरी आउटलाइन तैयार कर लेंगे पहले। उसके बाद कलर्स हमें करना होगा, तो कलर्स में आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, टाइगर में ब्राउन, येलो और थोड़ा सा लाइट ब्राउन का टच है। तो देखते हैं हम लोग लाइट ब्राउन का टच। डार्क ब्राउन यहां पर और येलो का। इसके अलावा ट्री में भी डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और येलो का टच हम लोग देंगे। फिर ऊपर बुशेस में ग्रीन, ग्रीन के यानी शेड्स, ये देखिए ग्रीन के शेड्स, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और उससे भी ज़्यादा लाइट ग्रीन शेडिंग देनी है ना हमें, और कहीं कहीं पर येलो का टच देंगे। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर फ्लावर, देखिए फ्लावर, तो फ्लावर में हम लोग रेड का टच देंगे यानी रेड कलर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। कहीं कहीं पर बच्चों हमें ब्लैक का भी यूज़ करना पड़ेगा, वो सबसे बाद में करेंगे क्योंकि डार्क कलर्स कभी भी पहले नहीं लगाने होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब क्या करें, इसकी आउटलाइन को पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कलर स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी इसकी आउटलाइन करते रहिए और बहुत ध्यान से करेंगे बच्चों आउटलाइन, एकदम स्मूथ लाइंस आनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर हमने आउटलाइन कंप्लीट कर ली है, अब इसी के साथ हम लोग कलर स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ साथ आप कलर करते चलिए और जो मैंने कलर्स आपको पहले बताए थे उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें कलर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइगर में कर रहे हैं। टाइगर की स्ट्रिप्स में ब्राउन कलर बहुत ही आराम से करेंगे। और इसी के साथ थोड़ा सा लाइट ब्राउन का टच कैसे देना है यहाँ पर देखिए, पहले सॉफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, बिल्कुल हाथों की मूवमेंट पर ध्यान रखिए आप बराबर। और फिर येलो शेड इस तरह से
करते रहिए बराबर। जहाँ पर ब्राउन है वहाँ पर आप ब्राउन और लाइट ब्राउन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिप्स काफ़ी बारीक हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आप कलर लगाएंगे इसमें। और इसी तरह से हम लोग ट्री में भी कलर लगाएंगे, लाइट ब्राउन, और उसी में एक और है थोड़ा सा डार्क ब्राउन, और फिर उससे भी ज़्यादा डार्क ब्राउन। तो शेडिंग का बच्चों यही मेथड होता है कि हम पहले हमेशा लाइट कलर का यूज़ करें, उसके बाद धीरे धीरे करके हम डार्क की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए और इसी तरह से आपको भी शेडिंग करनी होगी। पूरे ट्री में इसी तरह से आप कलर कर लेंगे, यहाँ पर सेम इस ट्री में भी इसी तरीके से करेंगे, और फिर उसके बाद जब यहाँ पर बुशीज की और लीव्स में काम करना है तब भी हम इसी तरीके से करेंगे। पहले लाइट कलर और फिर उससे थोड़ा सा डार्क कलर का यूज़ करेंगे। करते रहिए मेरे साथ साथ बराबर। बच्चों आपको इस तरीके से इसमें शेडिंग देनी होगी जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। लाइट करते हुए फिर धीरे धीरे इसको डार्क की ओर ले जाना होगा हमें। इसी तरह से इस फ्लावर में भी पहले आप रेड कलर को बहुत ही सॉफ्ट हैंड से हल्का हल्का चलाएंगे, और जहाँ पर आपको लगता है कि हमें डार्क करना है वहाँ पर आप अपने कलर को थोड़ा सा टाइट हैंड से चला देंगे। एक ही कलर से हम शेडिंग दे सकते हैं। हल्का सा ब्राउन का टच, बहुत ही लाइट। इसको और भी अच्छा बनाने के लिए स्काई में हल्का सा, बिल्कुल स्काई ब्लू का टच दे रहे हैं हम स्काई के लिए, जिससे हमारा ये पूरा कंपोजिशन देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगने लगे। इसी के बाद कहीं कहीं पर डार्क ब्लैक कलर का हमें यूज़ करना होगा, बहुत ही लाइट डार्कनेस यानी डेप्थ देने के लिए, जो बहुत ही आप संभाल करके यूज़ करेंगे क्योंकि ब्लैक कलर है, एक बार लगाने के बाद आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से हमें ब्लैक का टच देना होगा कहीं कहीं पर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये टाइगर का पूरा कंपोजिशन कंप्लीट हुआ है, और इसी तरह से आप हमें बना करके पूरा कंपोजिशन हमें सेंड करेंगे, शेडिंग देने की पूरी प्रैक्टिस करेंगे।
कहीं कहीं पर फ्लावर में भी टच हम दे सकते हैं डार्कनेस देने के लिए। बच्चों आप डेट जरूर डालेंगे, और अपनी पिक्स जरूर हमें सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर के आएंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, टाटा बाय।